नमस्कार INA न्यूज TV में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अंजलि शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। जनपद हरदोई के शाहबाद में आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नारी वंदन अधिनियम कार्यक्रम को संबोधित किया। इसके साथ ही CM ने 217 परियोजनाओं का उद्घाटन कर जिले को 545 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी। शाहबाद विधानसभा के उधरनपुर इलाके में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुबह 11 बजे कार्यक्रम को संबोधित किया। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार की उच्च शिक्षा मंत्री और शाहबाद विधानसभा से विधायक रजनी तिवारी, प्रदेश के आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल, भाजपा के कई सांसद और विधायक समेत भाजपा के तमाम नेता उपस्थित रहे। जनपद हरदोई से संवाददाता डॉक्टर शाहिद अली की रिपोर्ट। आधी आबादी के अभिनंदन के लिए आयोजित आज के समारोह में प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण, जनपद के प्रभारी मंत्री श्री JPS राठौर जी, प्रदेश के आबकारी मंत्री श्री नितिन अग्रवाल जी, प्रदेश सरकार में उच्च शिक्षा की राज्य मंत्री श्रीमती रजनी तिवारी जी, माननीय सांसद श्री अशोक रावत जी, श्री जयप्रकाश रावत जी, डॉक्टर अशोक वाजपेयी जी, पूर्व सांसद श्री नरेश अग्रवाल जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष सजीत सिंह बब्बन जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती प्रेमावती वर्मा जी, माननीय विधायकगण श्री माधवेंद्र प्रताप सिंह रानो, श्री श्याम प्रकाश जी, श्री प्रभास कुमार जी, श्री आशीष सिंह आसू जी, श्री रामपाल वर्मा जी, श्रीमती अलकार कुवंशी जी, विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री अविनाश कुमार सिंह जी, अशोक अग्रवाल जी, महिला मोर्चा की जिला के अध्यक्ष श्रीमती अलका गुप्ता जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित जनपद हरदोई से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों और बहनों, आज यहां पर नारी शक्ति वंदन अधिनियम के पारित होने के उपरांत आधी आबादी के अभिनंदन के लिए हम सब यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं इस अवसर पर इतने सत्र में ही इतनी भारी संख्या में आपके यहां पर आगमन के लिए आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं। इस अवसर पर आप लोगों के ही बहाने जनपद हरदोई को 541 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उपहार लोकार्पण और शिलान्यास के रूप में उपलब्ध हो रही है। मंचस्थ अपने माननीय जनप्रतिनिधियों को धन्यवाद देते हुए जनपद हरदोई वासियों को इसके लिए मैं हृदय से बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि आधी आबादी को सम्मान और सशक्तिकरण बगैर कोई भी समाज सशक्त नहीं हो सकता और कोई भी राष्ट्र समर्थ नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में इस बात को बहुत नजदीक से समझा था और इसीलिए देश के अंदर आजादी के बाद पहली बार देश के राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा महिलाएं बनी थी। देश की योजनाओं का आधार महिलाओं को केंद्र में रख करके बनाया गया था। आप देखेंगे एक एक योजना आज देश की आधी आबादी को केंद्र में रख करके, उन्हें ध्यान में रख करके बनाई जा रही है। इन योजनाओं में अलग अलग प्रकार से उनकी सुरक्षा से जुड़ी हुई योजनाएं भी हैं, उनके सम्मान से जुड़ी हुई योजनाएं भी हैं, उनके स्वावलंबन से जुड़ी हुई योजनाएं भी हैं और इन योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए, उनके क्रियान्वयन के लिए उनके एक निश्चित कालीन समीक्षा करने के लिए डबल इंजन की सरकार लगातार कार्य कर रही है।
आज उसी का परिणाम है कि जनधन अकाउंट से लेकर के देश के अंदर नारी गरिमा की प्रतीक बनी हुए हर घर शौचालय की योजना हो, या फिर हर उस परिवार का जिसने आजादी के बाद अपने स्वयं के सिर को ढकने के लिए छत नहीं प्राप्त कर पाया था उसे आवास देने का कार्यक्रम हो, या फिर 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर के लिए आयुष्मान भारत की योजना, या फिर इन्हीं सभी इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए जिन लोगों ने कभी बिजली के दर्शन नहीं किए थे उन गांवों में विद्युत की बिजली यानी वहां तक विद्युतीकरण करना और फिर फ्री में उन परिवारों को विद्युत के कनेक्शन उपलब्ध करवाने के कार्यक्रम हों,